उद्देश्य क्या है इससे शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो फिल्म आपने बनाई है इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रशेखर आजाद आज लाखों करोड़ों दिलों में घर कर चुके हैं, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने आजाद भारत की नींव रखी, उनके विचारों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उनके मार्गदर्शन को कैसे लेते हैं, इस फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे जागी आपको? आज़ाद की महानता विश्वव्यापी को कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उनकी चीजों को प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए नहीं हुआ, उनको उनके व्यक्तित्व को जिस तरह उभारना था नहीं हुआ। यहाँ तक कि फिल्मों के बाद जैसे मैं साहित्य की बात करता हूँ, मैं तो साहित्य व्यक्ति हूँ, तो मैं साहित्य में भी आज़ाद को लेकर जितना लिखना चाहता नहीं लिखा, लोग अलग अलग जैसे यशपाल ने कुछ और लिखा, मतलब कई लोगों ने जितनी कहानी किताबें लिखी उसमें आज़ाद जैसा वर्णन हुआ जैसा नहीं हुआ, क्योंकि आज़ाद को उनके दूसरे हाथ को नहीं पता होता कहाँ होता है, रंगून से लेकर पेशावर तक आज़ाद घूमते रहते थे। आज देश को एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए आज़ाद के विचारों की सख्त ज़रूरत है। प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, जो खुशी की बात है जिसकी वजह से पहली बार प्रधानमंत्री ऐसा आया जो देश में उनका नाम लेता है, संसद से लेकर उनके घर तक। आज तक पहले किसी प्रधानमंत्री नाम नहीं, चाहे लालू शास्त्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी, किसी प्रधान नहीं जाने जाने उससे पछली कोशिश क्यों होगा नहीं होना नहीं था। तो आज़ाद का विचार, आज़ाद व्यक्तित्व, यानी जो आदमी अपनी माँ बाप से सुस्ता राजनीति कहता था कि मैं क्रांति के आड़े रास्ते में आएंगे तो जान ले सकता हूँ, गोली मार सकता हूँ, ऐसी भावना पर कौन था, तो उनके विचारों को विश्व के कोने कोने पहुँचाने के लिए मैंने 26 भाषाओं में निर्माण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है देव भाषा संस्कृत। आज़ाद की कल्पना मात्र से ही हम लोगों के रूह में एक